एक चीज तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि किस तरह से फुकरा इंसान और पूजा भट्ट का रिलेशन एकदम सा सही है। इस घर के अंदर में पूजा भट्ट और फुकरा इंसान का रिलेशन ही सबसे रियल है और इन्हीं दोनों का रिलेशन जो है सबसे बेस्ट। आखिर कैसे फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान के सपोर्ट में आकर के सलमान खान ने सारी चीजें कही। देखो, एक दिन पहले जो है मुद्दा कुछ और चल रहा था और बेबिका ने जो है अपने आप को पूरा एकदम हॉट टॉपिक बना दिया था कि मुझे इस घर से जाना है, इस आदमी को रखो या तो मुझे निकाल दो। देखो, जात को डांट पड़ी लेकिन उसके बावजूद भी बेबिका को इतनी सा भी भाव नहीं दिया, मतलब बंदी को जो चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं मिला। अब अभिषेक मल्हान को जो है इतना सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? बिग बॉस के इतिहास में, अब तक का इतिहास में बताया जा रहा है कि 1 मिलियन वोट सिर्फ और सिर्फ फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान को मिला है। और अगर सपोज मान के चलो अगर बिग बॉस जो है फुकरा इंसान को घर से निकाल देता फिर क्या होता? पुनीत सुपरस्टार 24 घंटे के अंदर ही निकल चुका था घर के अंदर से। उसके बाद से जियो सिनेमा की रेटिंग 1.1 तक आकर के रुक चुकी है। मतलब मानो या ना मानो बिग बॉस और जियो सिनेमा को इस चीज से लॉस तो हुआ है। और धीरे धीरे जो है बिग बॉस को ये चीज समझ में आने लग गया है, सोशल मीडिया से आए हुए लोगों का जो एक पावर है, जो खास करके ऑडियंस की पावर है, वो बहुत बड़ी है। अगर फुकरा इंसान को जरा भी डांट पड़ी या घर से निकाल दिया तो भाई बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वीकेंड का वार खत्म होने होने तक पूरा का पूरा घर अभिषेक मल्हान के सपोर्ट में आ गया। पूरा घर जो है अब उसके दोस्त बनने के लिए बेकरार हो रहा है। वहीं पे अविनाश को जो है उठा करके कोने पे रख दिया गया है। इस पूरे घर के अंदर में सबको डांट पड़ी है सिवाय अभिषेक मल्हान की। भाई साहब ने ट्रक कह दिया था बेबिका को, अब वो भी आकर के याराना दिखा रही है, हाथ पकड़ के मोड़ के दोस्ती यारी में जैसी मजाक चल रही होती है बिल्कुल वैसे ही मजाक वो कर रही है। बिग बॉस को चाहिए था कि अभिषेक मल्हान जब आए पूजा भट्ट का जो गैंग होगा उस गैंग में अभिषेक मल्हान रहेगा तो जाकर के पूजा भट्ट को वो फेम मिलेगा जो कि अभिषेक मल्हान को मिलता है। एक और हिपोक्रेसी देखने को मिली पूजा भट्ट की तरफ से कि जब वो वीकेंड के बारे में सलमान खान से बात कर रही थी, सलमान खान धीरे धीरे उसके मुंह पे अपने वर्ड्स डाले जा रहे थे और जिस पे ये कही कि मैं यहां पे लोगों से सीखने के लिए आई हूं। याद करो मैंने कहा था पिछले एपिसोड में, मैं लोगों से सीखने के लिए आई हूं, मैं कुछ सिखाने के लिए आई हूं। और अभिषेक तो भाई उससे भी मैं चाहती हूं कि सीखूं, वो YouTube में कैसे करता है क्या करता है वो मैं सीखूं। भाई तुम इतने जल्दी कैसे पलट सकते हो? कुछ ही दिन पहले तुमने कहा था कि जो सोशल मीडिया में जो भी लोग है वो जस्ट एक नंबर है, वो आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, इनके हवा में मत उड़ो। और आज तुमको समझना है कि YouTube में कैसे क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखना है मुझे अभिषेक से। सलमान खान आए और पूरे के पूरे घर को सेट करके गए, अभिषेक मल्हान को सपोर्ट करके पूरे घर वालों को ये जताया कि बेटा तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, ये बंदा बाहर में बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि घर के अंदर में कोई भी चीज बताई नहीं जा सकती, लेकिन सलमान खान इनडायरेक्टली जो है सारी चीजें सेट कर गए हैं। फलक तक को डांट पड़ी है, फलक को ये कहा गया है कि आप अपब्रिंगिंग पे बात करते हो, लोगों के माँ बाप पे जाते हो। वो कहती नहीं मैं परिवार पे जाती हूँ लेकिन परवरिश पे नहीं जाती। वाह दीदी वाह, क्या खेला है आपने, मतलब मानना पड़ेगा क्या जबरदस्त खेला है। इसी चैनल पे इसी के भाई के लिए मैं लड़ रहा था और वो लड़ाई कहीं पे भी गलत नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है कि जितना महान इस इंसान को मैं समझ रहा था ये दीदी उतनी महान तो नहीं है। ये दीदी भी वीकेंड के वार के बाद जाकर के एकदम सॉफ्ट हो जाती है, फुकरा इंसान को जाकर के हाथ जोड़ के कह रही होती है अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं जमीन पे गड़ जाऊंगी यार। अरे माय गॉड, क्या मतलब क्या चीज है। अभी देखना आने वाले हफ्ते के अंदर में जो इक्वेशन रहेगा ना अभिषेक के साथ में, सब एकदम अच्छे अच्छे बन के घूमेंगे, मस्त रहेंगे उसके साथ में, क्योंकि समझ में आ चुका है इस बंदे से अगर लड़े तो हमारी फैन फॉलोइंग जा सकती है। और अगर नहीं भी गई तो भाई जो अभिषेक का जो फैन फॉलोइंग है उनके तरफ से बहुत भयानक तरह का हेट मिलने वाला है जो कि ऑलरेडी मिल रहा था। तो बिग बॉस के अंदर में ये चीज आपको कैसा लगा कि सारी चीजें घुमा करके कहीं और सेट कर दिया गया है? अभिषेक भाई जो है आप थोड़ा जो है ना ऐसा करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभिषेक भाई को देख करके समझ में आ रहा था कि वो कितने ज्यादा अंदर से टूट चुके हैं। सलमान खान से जब वो बंदा बात कर रहा था तो वो इस डर में था कि पता नहीं किस बात पे मुझे बैश कर दे, क्योंकि मैंने उसको ट्रक बुलाया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे लड़ाइयां की है, अपनी आवाज उठाई है, लेकिन इसको लड़ाई के हिसाब से ही बात की जाएगी। लेकिन सलमान खान सरप्राइजिंगली उसको कुछ भी नहीं बोला, और तो और एकदम सबकी क्लास ली गई। पूजा भट्ट तक को बोला गया इनडायरेक्टली कि आप समझ जाओ इस घर के अंदर में सबके सब आपको जो है डोमिनेटिंग समझते हैं। सो यही था वीकेंड वार। और जो मुझे समझ में आ रहा था, जो मुझे अपने अंदर में ऑब्जर्व कर पाया मैं, वो यही था कि पूरे घर को जो है अभिषेक के साइड में सेट किया गया और सबको समझ में आ गया अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान का क्या पावर है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और भी डिस्कशन गॉसिप और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।